तो दोस्तों इंस्टाग्राम में मैं न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पर मुझको प्रॉब्लम आ गया इनवैलिड पैरामीटर। यही प्रॉब्लम मुझको काफ़ी बार, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डालने के बाद जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इनवैलिड पैरामीटर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड पैरामीटर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पासवर्ड चेंज करते समय, तो कैसे आपको फिक्स करना है आपको यहाँ पर इसका मतलब बताऊँगा, आखिर ये आ क्यों रहा है, उसके बाद आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, कैसे आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर पाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तुरंत यही एरर सामने देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चलना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम इनवैलिड पैरामीटर एरर, इतना आपको सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि आपका यहां पर नेटवर्क इशू है या फिर आप अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, और यहां पर दो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि आपको जो पासवर्ड लगा रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग कर दे रहे हैं या फिर काफ़ी शॉर्ट कर दे रहे हैं या फिर ये नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पर हम पकड़ते हैं नेटवर्क इशू, अगर ये नेटवर्क इशू है तो आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, आप यहाँ पर इसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो आपको अब चलना है नेटवर्क इशू को फिक्स करने के लिए, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में चलना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम में जाना है, जैसे आप इंस्टाग्राम सर्च करेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा। तो जब आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं रहेगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा सिस्टम जो है वो एरर बताएगा, कुछ भी आप करते रहे होंगे तो ये इंस्टाग्राम कायदे से वर्क नहीं करता है। तो अब आपको इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद तुरंत आपको इंस्टाग्राम को लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ मिलेगा, आपको स्टोरेज यूज़ में जाना है और आपको क्लियर कैच, नीचे की तरफ आपको क्लियर कैच मिलेगा। अगर आप क्लियर डाटा करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिलीट हो जाएगा, तो आपको क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच करने के बाद आपको बैक हो जाना है, और जैसे ही आपका इंस्टाग्राम अपडेट होगा तुरंत आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।